दोस्तों, आपका YouTube के ट्रिक्स निधि चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कॉपीराइट वीडियो चढ़ा सकते हैं विदाउट इशू। अगर आपको कॉपीराइट वीडियो चढ़ाना है, आपको आपके मोबाइल पे कोई आपके चैनल पे कोई इशू भी नहीं आएगा, इसके लिए अगर आपको सीखना है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बताते हैं अब कैसे होता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप एक कोई वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी लिख के यूट्यूब का डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद फिर इसके बाद आइडियो लाइब्रेरी साइड है, उसमें आने के बाद इसमें से कोई एक डाउनलोड कर लीजिए म्यूज़िक। उसके बाद मैंने ये दोनों डाउनलोड कर रखा है समय बचाने के लिए। बाद में ये मैं खोलता हूँ। ये खुलने के बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। हाँ, ये खुलने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बना सकते हैं एडिट करके कॉपीराइट वीडियो। देखिए अभी ये खुल रहा है। सुम कंप्यूटर को थोड़ा रिफ्रेश मार देते हैं। हाँ, यहाँ पे तो मैं इसको निकलता हूँ। उसके बाद मैं खोलने के बाद देता हूँ आपको। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद मैं इंपोर्ट मीडिया मुझे करना है। हाँ, यहाँ पे मुझे कैंसिल और इसके बाद मैं खोलने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे करता हूँ। इंपोर्ट मीडिया पे करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने डाउनलोड किया 6W, ये जो पहले आया है इसको मैं एडिट करके मैं अपने चैनल पे चढ़ाऊँगा। यहाँ पे देखिए मैं ऐड करता हूँ इसको। ऐड करने के बाद आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे फिर इसको कॉपी करिए। यहाँ पे फिर उसको पेस्ट करिए। यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है ना। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा करना है। यहाँ पे इसे छोटा करते हैं, फिर यहाँ से ऐसे ये छोटा करते हैं, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद एकदम पे लगाने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से भी मैं कर ले रहा हूँ थोड़ा सा लेने के बाद। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से भी करने के बाद ये इस पर भी आने के बाद ऐसे करना है, इसको भी ऐसे करना है, इसको भी ऐसे करना है, यहाँ से भी ऐसे करना है, यहाँ से भी ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। यहाँ पर मुझे काटना नहीं है इसलिए मैं सीधे से कर देता हूँ। Even among WWE's big four pay-per-views, SummerSlam stands out. यहाँ पर भी देखिए, फिर उसके बाद ये छोटा होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मोर पे आइए, यहाँ पे ओरिजिनेटर पे आइए। हाँ, इस पर आइए। बाद यहाँ पे बॉर्डर करिए। फिर बाद ये 7 पे लाइए। नहीं, पहले यहाँ पे मैं कलर सब चूज करना है। यहाँ पे लिख दीजिए 7, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर इसमें आपको बताता हूँ। ये मैंने कलर चूज किया, बॉर्डर भी किया, मुझे रिमूव कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देखिए, इसको और कोई भी लगा देता हूँ। मुझे हर जगह पे लगाना है तो मैं इसको ऐसे करूँगा, थोड़ा सा और काटूँगा।
मैंने ऊपर वाले पे नहीं लगाया था, इसको मैं छोटा करता हूँ। इसके बाद बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। हाँ अब देखिए अब हो गया। फिर उसके बाद और क्या करना है, यहाँ पे कटने के बाद फिर यहाँ पे मोर पे आइए। यहाँ पे फिर उसके बाद ये तो ये सब हो गया। इस पर भी आप देख लीजिए ऐसा बन गया, इस पर बन गया। फिर यहाँ पे आइडियो पे आइए, साइलेंस करिए, इसको भी साइलेंस करिए, इसको भी कर लीजिए, साइलेंस हो गया दोनों। बाद कॉल आउट्स पे आएंगे, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको स्टाइल करिए, आप मैं स्टाइल करता हूँ कुछ भी पसंद हो। स्टाइल पहने के बाद यहाँ पे मैं लिख, आप जो भी चैनल लिख लें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे चैनल नाम है WWE VDOS रोडली वीडियोस। यहाँ पे फिर मैं इसको यहाँ पे जाके लगा देता हूँ। हाँ यहाँ पे फिर मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पे फिर इसको मैं इसको लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको अभी मैं म्यूज़िक भी लगाना बाकी है, मैं यहाँ पे इसको पूरा लगा देता हूँ। यहाँ पे पूरा लगने के बाद अब मुझे म्यूज़िक लगानी है। इनपुट मीडिया पे आता हूँ, जो मैंने म्यूज़िक डाउनलोड करके रखी थी मैं इसको लगा देता हूँ। हाँ यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे ऐड करिए, पर आई होगी तो हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और इधर आने के बाद देख लेते हैं पूरी सही लगी है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गई म्यूज़िक, कम करना यहाँ। यहाँ पे भी इसको मैं बराबर करता हूँ म्यूज़िक को भी। हाँ अब देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप चला के देख लीजिए। तो ये लोगो भी आ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर भगाइए। अब ये देखिए हमारी वीडियो तैयार हो गई है। मैं इसको अब निकालूँगा यहाँ पे करके। मैंने जो गुड़म डाउनलोड किया था मैं 640 में किया था, 480 में यहाँ पे 480 सेलेक्ट कर ले, फिर नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ WWE वीडियो फिर फिनिश कर ले रहा हूँ। फिर उसके बाद जब वीडियो हो जाती है पूरी सही से, मतलब तैयार हो जाती है, तो फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों देखिए वीडियो अपलोड हो गई है, मैं अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।